पिक्सल ले जाके छत ले कर। दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे खादी मेला घूमने, जो मोराबादी के मैदान में लगा हुआ है। ये 10 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। तो अभी हम खादी मेला पहुंच चुके हैं और सोचे कि आप लोग को खादी मेला भी दिखा दिया जाए। और अंदर का आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और नीट एंड क्लीन दिख रहा है। नीचे पूरा कारपेट बिछाया हुआ है, मतलब जो भी इधर अंदर है पूरा साफ सुथरा लग रहा है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिल रहा है। और यहाँ पर रिसेप्शन है, रिसेप्शन यहाँ से अभी जो भी चीज़ पूछ सकते हैं, पूछताछ यहाँ कर सकते हैं कि अब कहाँ क्या है वैसे जो भी है, या अगर आपका कोई भी चीज़ मिसप्लेस हो गया तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ आपको यहाँ ये गेट है, इसके अलावा पूरा सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहे, आपको पूरा खादी मेला आज घुमाएंगे। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, भी उतना भीड़ नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये खादी मेला है। तो अभी आई थिंक 3 या 4 बज रहे हैं, तो इतना ही लगभग भीड़ रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा भीड़ लगा होता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, जिसको जो पसंद है वो सामान यहाँ पे लेते हैं। और अंदर देखते हैं कि यहाँ का सामान कॉस्टली है या कितना कैसे प्राइस में है। और यहाँ लगा है गांधी जी का स्टैचू, यहाँ पे गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है। और जो भी खादी मेला लगता है वो गांधी जी का ही, मतलब एक तरह से गांधी जी का ही प्रतीक है। जो शुद्ध देसी चीज़ मिलता है यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे सामान मिलता है, ये सामने आप देख रहे होंगे सारा लकड़ी का सामान मिल रहा है। और एक से एक यहाँ पे लकड़ी का सामान मिलता है, जैसे बेलन हो गया, पीढ़ा हो गया, की होल्डर हो गया, रिंग वगैरह सारा कुछ। और यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप, मूर्ति दिख रहा है सामने, पुराने ज़माने में जो मूर्ति मिला करता था वैसे ये मूर्ति है। और अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि हम लोग ऐसे देखने कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा चीज़ मिलता ही नहीं है कहीं पे। तो ये मूर्ति आप ये देख रहे होंगे, ट्रेन जैसा बनाया हुआ है, मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। तो कुछ फ्लावर्स रखने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ डब्बा है, मतलब अनेकों प्रकार की मूर्ति हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है घूमने यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ आपको जो दिख रहा है, हर स्टेट का अपना अपना जो स्पेशलिस्टी है वो लेके अपने सामान आए। जैसे हजारीबाग, पीछे आप दुमका देखिए, खूंटी जिला का है। तो झारखंड के जितने भी स्टेट हैं उनके नाम का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और वहीं के लोग जो भी आए हुए हैं अपने अपने जो वहाँ से जो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो ये खादी मैदान में, खादी मेला में लेके आए हुए हैं। ये गोड्डा ज़िला हो गया, गोड्डा ज़िले का 2 बोर्ड लगा हुआ है, देवघर है। तो ऐसे हर एक स्टेट का है। पर यहाँ, और दोस्तों यहाँ पे धागा बन रहा है, ये देख रहे कैसे मशीन में बड़े बड़े धागे लगाए, उसके पीछे मशीन चल रहा है और उसे छोटा छोटा धागा बन के निकलेगा। और ये जो आपको धागा दिख रहा है मोटा है, और जब वो मशीन से निकल रहा है तो पतला हो जाता है। तो यहाँ पे धागा बना रहे हैं, इन लोग 3 लोग हैं और अपने अपने मशीन पर बैठ के धागा यहाँ पर गूंथ रहे हैं। ये आपको मिलता है, बहुत पहले मिलता था ऐसे, अब तो खैर ये नहीं मिल रहा है ऐसे, अब पहले देखने को मिलता था। और यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, यहाँ पे जो भी जैसे इस मेला में है हर एक सामान मिलता है, कपड़ा से लेके आपको एक एक चीज़ का रखा हुआ है। और सब जो है यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है। दोस्तों अभी ले रहे हैं मड़ुआ का आटा और देखते हैं कैसा लगता है खाने में। पहले तो बहुत खाते थे मड़ुआ का आटा है, रागी आटा, मड़ुआ आटा, देखते हैं। सॉरी, ओके, ये फार्मर मतलब जो प्रॉपर किसान होते हैं उसके द्वारा बनाया हुआ है अपने हाथों से, ना कोई इसमें मशीन का यूज़ किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है, देखते हैं इसका। एक हमने खरीद लिया है, 45 रुपीज़ का है पैकेज, 500 ग्राम मतलब हाफ के जी है 45 का। तो देखते हैं कि लेके और कैसा लगता है खाने में। एड्रेस और मान जी, तो एक लिए हुआ है हमारा डीसी खुद लॉन्च कर रहे, फिर हम लोग वही लोग हम लोग को प्रोवाइड का मतलब तरीका बताते हैं। तो वो इस पर बहुत ध्यान दिए और वो किया कि है ना कि सबसे पहले हम लोग रागी को गांव 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 बंटवा दिए, तो हमको दिए थे हम डिस्ट्रीब्यूट करने के 1650 के जी, हम किसानों को बांटे जिसमें 741 किसान को बांटे, 2-2 किलो ऐसा बांटे। उसके बाद उसमें जो उत्पादन होगा उसको उसी को किसान से खरीद लिया हमने, खरीद के फिर उसमें ये तो हम लोग साफ सफाई करा के पूरा अच्छे से तरीके से धो के कंकड़ निकाल के उसमें इतना फ्रेश कर दिए, उसमें कोई मतलब कोई ऐसे से करे ना। ये जो अब रेट की बात करें सर, ये जो रेट है ना सर, आप किसी ये को देखिएगा, जो
काम करने वाले लोग को, आप देखिएगा जैसे एग्जैक्टली जो बीच का होता है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, बिचौलिया बोल सकते हैं। अरे बिचौलिया, बीच का बिचौलिया। आप उनको देखिए, व्यापारियों को देखिएगा, वो करते क्या है कि हमारे जैसे किसान से लेके खरीदते हैं बहुत कम दामों पे, और बाजार में लेके उससे कई गुना ज्यादा ऊंचा दामों पर बेचते हैं। तो हम लोग ठीक उसी को किसान से, हम लोग खुद अपना किसान है सर, 1500 किसान, ठीक है, तो उसी किसान से जितना भी माल होता है उसको एक कर लेते हैं सर, और उसके बाद जो होता है खुद से, मतलब इसको पीस वगैरह करके साफ सफाई करके खुद से बेचते हैं जी। हाँ, ताकि मतलब रेट में डिफरेंट थोड़ा मतलब कम हो, कॉस्टली ज्यादा ना पड़े। काम कर रहे हैं सर, तो वो किसान को पूरा तरह से लाभ। बोल नहीं ऐसे टांग में देखो जाएगा एडिंग की देखे। कितने का भाई ये देखना मस्त। बिल्कुल कितना अच्छे अच्छे रे, किसी क्या बिल होने ऐसा भी होता है। ये रोटी रखने वाला है, ये पीढ़ा रोटी रखने वाला कितना मस्त है। हाँ, कितने का भैया? 700 रुपये। ओ पप्पा, 700? ये तो रेडीमेड वाला भी महंगा है। नहीं, वो दो चीज ले लो और देख। दोस्तों अभी हम लोग झूला झूल रहे हैं, ये देखिए, और अभी हेलमेट वगैरह पहन के ही घूम रहे हैं जो मार्केट में आए हैं मेला में। अभी जो हम लोग इस मेला में घूम रहे हैं, खादी मेला मुरादाबादी में लगा हुआ है, तो हेलमेट वगैरह पहन के ही घूम रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, सोचे ऐसे ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना ये कैमरा है, इससे भी हम जगह जगह कैप्चर कर रहे हैं ताकि आप लोग को दिखा सके और एक एक चीज़ दिखाए। कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक एक चीज़ दिखाया जाए। अभी हम लोग खादी मेला में हैं और भी घूमते हैं। अभी तो आप लोग देखें मड़ुआ हम लोग ले चुके हैं, मड़ुआ के आटा ले चुके हैं। और अभी आगे देखते हैं घूम के और क्या क्या चीज़ है जो अच्छा लगेगा तो लेंगे, अदरवाइज घूम। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मेला घूम चुके हैं, जो खादी मेला लगा हुआ था पूरा घूम चुके हैं। आपको पूरा नजारा दिख रहा होगा पीछे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें घूम के। फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।